नमस्कार, मैं फ्यूचर गुरु नैनेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए अब जानते हैं पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए जब आप तर्पण करते हो तो तर्पण करने के पश्चात दान देने का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और शास्त्र से यदि आप अपने राशि के हिसाब से अपने पितरों को खुश करने के लिए दान करते हो तो निश्चिंत पितृ प्रसन्न होते हैं। और आपके राशि पे कोई भी दोष होगा, आपकी कुंडली में कोई दोष होगा तो निश्चिंत शांत हो जाता है, ऐसा कहा गया है। कुंडली में जो पितृ दोष है वो दूर करने के लिए अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। यदि आप अपने राशि के अनुसार उपाय जानना चाहते हो तो निश्चिंत ही ये वीडियो पूरी तरह से देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। आइए जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लोगों को यदि अपने पितरों को शांत करना है और अपने पितृ दोष को दूर करना होगा तो पितृ पक्ष के समय में आप पहले श्राद्ध के दिन, दूसरे श्राद्ध के दिन या आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन यदि धातु से बने हुए कुछ कॉइन्स नदी में प्रवाह कर देते हो और ब्राह्मणों को भोग करवाते हो, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हो तो निश्चिंत आपके पितृ दोष दूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लोगों को अपने पितरों को शांत करने के लिए दही और गुड़ का भोग बटुक भैरव मंदिर में लगाना है, निश्चिंत आपके पितर शांत होंगे। उसी के साथ यदि आप 21 कन्याओं को भोजन कराते हो तो उससे भी आपके पितृ दोष दूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के लोगों को अपने पितृ दोष दूर करने के लिए पानी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप पक्षियों को बाजरा खिलाते हो तो आपके पितृ दोष में आपको मुक्ति मिलेगी। और विशेष बात, यदि आपको पॉसिबल होता तो आप कहीं पे भी प्याऊ जो लगाते हैं ना, जहां पे गरीब लोग आकर पानी पीते हैं या पक्षी पानी पीते हैं, ऐसे स्थान पे पानी की उपलब्धता करा दीजिएगा, आपकी कुंडली से यह पितृ दोष जरूर दूर होंगे। यदि इन 15 दिनों में यह नियम आप करोगे तो आपको निश्चिंत लाभ होगा। आइए अब जानते हैं कर्क राशि कैसे अपने पितृ दोष को दूर कर सकती है। पितृ दोष को दूर करने के लिए कर्क राशि के लोगों को ब्राह्मणों को खीर खिलानी चाहिए। उस खीर में बादाम जरूर डालिएगा, कम से कम एक मुट्ठी भर बादाम यदि आप डालकर ब्राह्मणों को खीर खिलाते हैं तो आपके पितृ दोष से आपको मुक्ति जरूर मिलती है। सिंह राशि के लोग यदि पितरों को अपने शांत करना चाहते हैं, पितृ दोष को दूर करना चाहते हैं तो निर्धन लोगों को आपको अनाज जरूर दान करना है। यदि निर्धनों को आप पीले रंग का कोई वस्त्र भी डोनेट करते हो तो आपके पितृ दोष से आपको मुक्ति जरूर मिलती है। कन्या राशि के लोगों को पितृ दोष से मुक्ति के लिए घर पे सुंदरकांड का पाठ कराना बहुत ही जरूरी है। और यदि आप हनुमान मंदिर जी के बाहर बैठे गरीब व्यक्तियों को धान, अनाज या किसी प्रकार की वस्तु दान करते हो तो आपको जरूर पितृ दोष से राहत मिलेगी। तुला राशि के लोगों को अपने पितृ दोष से मुक्ति के लिए निश्चिंत गरीबों को दूध और चावल की बनी हुई खीर जरूर खिलानी है। और एक विशेष उपाय जो मैं आपको बताऊंगा उससे बहुत ही लाभ होगा, 7 कन्याओं को आपको भोजन कराना होगा, उन्हें यदि अपने तरफ से कोई वस्त्र दान करवा देते हैं तो निश्चिंत आपके पितृ दोष से मुक्ति होगी। आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लोग अपने पितृ दोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। विशेष करके वृश्चिक राशि के लोगों को 2 रंग के जो कंबल होते हैं ना, वो 5 अंधे व्यक्ति या अपाहिज व्यक्तियों को जरूर दान देने चाहिए, जिससे उनके निश्चिंत पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। यदि हो सके तो यथाशक्ति किसी प्रकार के धन का भी दान आपको गरीबों को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। धनु राशि के लोगों को अपने पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गाय को चारा खिलाना, गरीबों को भोजन कराना, कम से कम 11 गरीबों को आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन भोजन खिलाते हैं तो निश्चिंत आपकी पितृदोष से मुक्ति होती है। मकर राशि के लोगों को अपने पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गंगा जल थोड़ा पानी में डालकर नहाना है और विशेष करके अंधे और अपाहिज व्यक्तियों को खीर खिलानी है, जिससे जरूर आपके पितृदोष से आपको मुक्ति मिले। कुंभ राशि के लोग को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए 11 श्रीफल पानी में जरूर बहाने हैं। हर एक दिन 1 श्रीफल बहाने से जरूर आपके पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और गरीबों को भोजन जरूर कराएं। मीन राशि के लोगों को विशेषकर अपने पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए दूध और मावे से बनी मिठाइयां गरीबों को जरूर खिलानी है।
और विशेषकर जो गौ माता प्रसव होती है, जिन्हें अभी बच्चा हुआ है, बछड़ा हुआ है, उन गौ माताओं को चारा जरूर खिलाएं, उसी के साथ हो सके तो 21 ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें, तो मीन राशि के लोग अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। यह सब दान राशि के अनुसार हमने बताए हैं। यदि आप अपने तक ये ज्ञान सीमित रखते हो, सबको बांटोगे तो जरूर वह लोग अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। यह सब जानकारी यदि आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ओम पितृदेवो नमः। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि और कौन सी वीडियो आपको हमसे जाननी है। मैं फ्यूचर गुरु नैनेश्वर श्री आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।